नमस्कार दोस्तों। अब आज मैं जा रही हूँ केले का कोफ्ता बनाने। ये केला उबाल के रखी हूँ, इसमें आलू भी रखी हूँ। ये आलू डालने से ना थोड़ा सॉफ्ट होगा, केला और आलू मिक्स करके। इसमें थोड़ी सी प्याज डालूँगी, थोड़ी सी प्याज डालूँगी, इसमें थोड़ी थोड़ी मसाले डालूँगी, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर। अब इसको मिक्स कर दिया। एक प्याज डाली हूँ काट के छोटा सा, और आलू 3 और 4 केले उबाली हूँ। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी 1 चम्मच, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। सब डाल के हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर डाल के इसको मैश कर लेंगे, अच्छा से मिलाएंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। बड़े चम्मच से 3 चम्मच इसमें बेसन डालेंगे। अच्छा तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। पूरी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, फिर इसे गोल गोल गोलाकार लेके कढ़ाई रखी हूँ, इसमें रिफाइंड डालूंगी। इधर तेल गरम हो रहा है, तब तक इधर दूसरे तरफ कढ़ाई रखी दूसरी, और इसमें मसाला फ्राई करूंगी। मसाला फ्राई करने के लिए तेल डालूंगी, सरसों तेल है। बोलिए। ये तेल गरम हो चुका है मसाले फ्राई करने के लिए। अब इसमें सबसे पहले मैं मेथी डालूंगी थोड़ी सी, और 4 तेज पत्ता डालूंगी। ये 4 बड़े बड़े प्याज काट के रखी हूँ बारीक सा। अब इसमें डालूंगी प्याज, इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। ब्राउन होने तक, ब्राउन हो गया थी। इधर मेरे ही तेल गरम हो गया। बोलिए। इधर तेल गरम हो चुका है पकौड़े तलने के लिए। इसमें अब पकौड़े तलूंगी इस तरफ। केले और आलू मिक्स है, गोल गोल करके धीमी आंच पे तलेंगे, धीमी आंच पे। गोल गोल बना लेंगे और धीमी आँच पे इसे तलेंगे, ताकि अच्छा से अंदर तक मतलब खस्ता हो जाए, इसे पक जाए।
जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए थोड़ा, तब तक इसको धीमी आंच पे तलेंगे। धीमी आंच पे तलने में अच्छा रहेगा, अंदर तक पक जाएगा अच्छा से। नमक डालेंगे इसमें कि प्याज गल जाए हमारा, थोड़ी सी प्याज गलने के लिए जल्दी होता है। देखिए पकौड़े ब्राउन हो रहे हैं, देखिए तैयार हो गया है, ब्राउन हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। बाकी का जो ये मिक्सचर है सेम ऐसे ही गोले बना बना के तल के रख लेंगे, फिर मसाले बोलिए। ये तीन टमाटर कटे हुए रखे हैं बारीक सा, तो इसमें डालेंगे पहले टमाटर डालेंगे बारीक कटे हुए, फिर इसमें हम साबुत लहसुन डालेंगे, छिलका सांस में है साबुत है, और इसमें फिर अदरक डालेंगे कद्दूकस किया हुआ। फिर अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, पहले ही डालिए। ये हल्दी पाउडर डालेंगे इस समय, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे इस समय, और ये हल्दी धनिया जीरा और काली मिर्च का पाउडर है इसे डालेंगे दो चम्मच, थोड़ी सी गरम मसाला डालेंगे। थोड़ी सी मीट मसाला डालेंगे, एक चम्मच मीट मसाला डालेंगे इसमें। थोड़ी सी पानी डाल दें ताकि मसाला फ्राई हो जाए। थोड़ी सी पानी डालेंगे मसाला फ्राई करने के लिए। मसाला फ्राई हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर पे इसे हिलाते रहेंगे ताकि मसाला अच्छा से फ्राई हो जाए। हाफ फ्राई हो चुका है मसाला, इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे। अब इसमें एक कटोरी मलाई डालेंगे, ये घर की मलाई है। इससे स्वाद भी चेंज होगा और कलर भी चेंज होगा, दोनों होगा, टेस्टी टेस्टी लगेगा। केला लाई कोफ्ता है ये, तो इसको थोड़ी देर के लिए फिर ढक देंगे, बीच बीच में हिलाते रहेंगे इसे। ढक्कन हटा के देखेंगे, मसाला फ्राई हो चुका है हमारा। ये
गरम पानी डालेंगे मसाले में। ग्रेवी इतना जितना आपको ग्रेवी बनाना है अपने हिसाब से डाल लीजिए। थोड़े देर पक जाए पानी डाले हैं, अभी पकने के लिए छोड़ दे थोड़े देर 5 मिनट। जब पकौड़े डालेंगे इसमें, ये ग्रेवी के लिए पानी इसमें डाल चुके हैं, अब पकौड़े तैयार करके रखे हैं। जब ग्रेवी तैयार हो जाएगी इसके बाद 5 मिनट बाद डालेंगे इसमें, थोड़ी देर के लिए ढक दे 5 मिनट के लिए। अब ग्रेवी ये तैयार हो चुका है, अब इसमें पकौड़े धीरे धीरे सब डाल देंगे एक एक करके। ये हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, 2 मिनट और रखेंगे धीमी गैस पे, इसे थोड़ा सा पक गया और फिर कोफ्ते तैयार 2 मिनट रखेंगे। अब इसको मैं ढक्कन हटाऊं, कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, अब गैस बंद कर दूंगी। सॉल्व कर रही हूँ, टेस्ट करके बताए कैसा हुआ। मैं चटनी के साथ टेस्ट करके देखता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप भी अपने घर पे बना के देखें और फिर हमें लाइक और शेयर करें और हमें बताएं कि कैसा स्वाद हुआ और बताएं कि कैसा हुआ है।